बस हम भी आज पढ़ाने में लग गए। मैं सोच रहा हूँ बंद क्यों हो गया। ठीक है भाई, अब आते हैं। हमें एक क्वेश्चन है, लेट यार, एन इज द सेट नेचुरल नंबर, ये तो पता ही है ना। एक रिलेशन दिया हुआ हमने आर, कैसा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्ड एक्स वाई, इस तरह के आता है ना जब रिलेशन के जो आते हैं एलिमेंट, सच दैट वाई इक्वल टू टू एक्स एंड एक्स वाई बिलोंग टू। ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन। इसका एक तो डोमेन निकालना, रेंज निकालनी और को डोमेन निकालनी। डोमेन क्या होगा बताइए। नहीं तो इसमें डोमेन क्या निकलेगा, सेट ऑफ नेचुरल। अब देखो आप थोड़ी हवाई हवा में बातें होंगी, अब आपको बैठ जाओ। अभी 1 2 3 ए बी सी डी वाला काम कम रहेगा, अब आपको पूरे पूरे सेट पर सोचना होगा। क्या सोचना पड़ेगा, हम अगर इसके एक ऑर्डर पेयर बनाएं, ये कौन सी फॉर्म है, समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको हम रोस्टर या टेबुलेशन फॉर्म में लिखें, ये ऑर्डर बनाए, एक्स की वैल्यू पहले कितना रखें, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 1 2 3 अप टू इनफाइनेट तक। एक्स की वैल्यू 1 रखो, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 8 एंड अप टू, यही बनेंगे ना। डोमेन क्या होते हैं, जो पहले सेट बना यानी कि जो पहले एलिमेंट हैं, ये तो डोमेन होता है भाई। हमने ऐसे बनाया एक सेट ए टू बी, ये 1 2 3 4 अप टू इनफाइनेट तो यहाँ जा रहे, 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनेट ये जा रहे। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा ये वाला सेट, तो डोमेन क्या आएगा, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, सारा इसका डोमेन होगा। रेंज क्या बोलते हैं, रेंज उसको बोलते हैं जो इसके एलिमेंट जिन जिन से जुड़े हुए हैं, 1 2 से जुड़ा, 2 4 से, 3 6 4 8 से, किन से जुड़ रहा है, इस पूरे सेट को क्या बोल लेंगे, 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट, क्या बोल लेंगे, रेंज। ये आपके रेंज है जो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो नंबर मैंने लिखे हैं 2 4 6 8 10, क्या बोलेंगे इनको, इवन नंबर। ठीक है, तो जो रेंज हुई सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये इतना लिख दो, राइट। कोडोमेन क्या है, हाँ ना, टोटल जिनकी बनती भी है नहीं बनती, शुरू में लिख दिया था एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जब रिलेशन एक बार लिखा हुआ, देखो दो सेट चाहिए थे ना, लेकिन इसने एक ही लिखा हुआ है, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ऑन लिखा हुआ है इससे पहले, ये समझ लेना आप, ए रिलेशन ऑन एन, डू अंडरस्टैंड। अगर ऑन है इसका मतलब एन टू एन है, इधर तो सेट डोमेन एन आ गया, और इधर क्या हुआ कोडोमेन, वो इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही रहेगा, रेंज छोटी होगी। कोडोमेन हमेशा या तो रेंज के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तीनों चीज़ समझ में आ गई, एग्जाम्पल दिया हुआ आप देख लेना। बोर्ड पर लिखने का स्पीड कम तो नहीं है मेरी, ठीक है।
अब एक रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल टू वन थ्री वन फोर टू, एक सेकंड रिलेशन दिया हुआ है टू 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 फोर थ्री थ्री फोर फोर, रिलेशन फोर है वन टू ये बताइए क्या ये फंक्शन है, ये वाला रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? नहीं, ये फंक्शन है भाई है। पहले एलिमेंट निकल लो टू थ्री फोर और ये वन और टू, इतने तो गुना किया इसने, ये तो अलाउ है यहाँ पे फंक्शन है। इस पर आ जाओ, टू टू रिपीट हो गए, यानी कि किसी भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट होने का मतलब क्या है, ये वाला बनेगा ही है ये, और जो कि अलाउ नहीं है तो फंक्शन नहीं है। इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है समझ में आ फंक्शन। अगर हम किसी चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि किसी रिलेशन को फंक्शन है या नहीं है, तो हम एक तो ये है कि कोई सेट दिया हुआ है। इसमें देखो ना, सेट जस्टिफाई नहीं किया कि सेट क्या है, नहीं है तो एलिमेंट तो सारे दे दिए। पहले तो हमें देखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज इट्स इमेज, ठीक है। एक तो किसी भी सेट के जो एलिमेंट हैं उन सभी की इमेज होनी चाहिए, दूसरी क्या है, इमेज शुड बी यूनिक। कैसी होनी चाहिए, यूनिक का हिंदी में क्या मतलब होता है, एक से अधिक अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है। वास्तविक फलन किसको बोलते हैं, इसकी रेंज
क्या हो, रियल नंबर, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे रियल नंबर का सेट। और रियल नंबर क्या होते हैं? एक्सेप्ट इमेजिनरी। एक्सेप्ट इमेजिनरी ऑल नंबर्स आर रियल, मींस एक इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितने भी दुनिया में नंबर है सब रियल है। और इमेजिनरी की पहचान क्या है कि इसके साथ ये आयोटा लगा होता है। क्या लगा होता है? आयोटा। बस यूँ ही होना चाहिए, ऐसा फंक्शन एक रियल वैल्यू फंक्शन कहलाता है। ये ऐसे जो मैं लिखता हूँ ना, इन्हें जो नोट पढ़ लिया करो, ये बुक्स बनी आपको इस तरह मिल लेगी। मतलब फिर अगर आप पढ़ोगे, देखना वास्तविक मान फलन क्या दिया हुआ, जरा पढ़िए वास्तविक फलन। एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई सबसेट हो वास्तविक फलन कहलाता है। ठीक है, मैंने कुछ और लिखा है वही है, ऐसे कीवर्ड में लिख दिया और वहाँ में से लैंग्वेज में लिखता हूँ। यानी कि जो रेंज आएगी वो या तो वास्तविक संख्या का समुच्चय हो और चाहे वास्तविक संख्याएं स्वयं। जब आपके टाइम पर पढ़ते थे ना, जैसे 12th में 11th में पढ़े, हमें नहीं पता था इन चीज़ों, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बाद में जाकर पता लगी कि कितनी ज़रूरी है। 11th 12th में कोई नहीं पढ़ाता, पढ़ा होगा तो फॉर्मेलिटी करके साइड साइड पर दम तोड़ कर छुट्टी करते, थोड़ा बहुत साइड से। एक फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा? ऐसा फंक्शन है जिसमें सेट ए भी रियल नंबर्स आएंगे और जो सेट बी है वो भी रियल नंबर। इट मीन्स डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी। ठीक है, एक फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन देखो पहले ही है, हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं इसको, मूल्य फंक्शन या सम फंक्शन क्या है? तत्समक फलन, तत्समक फलन इसको इसलिए कहा गया, तत मैंने उसके समक, मैंने समान, उसी के समान, उसी के समान क्या ये फंक्शन क्या है? ये है वाई इक्वल टू, ये इसको कहूँ एफ इमेज ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी कि एक्स की कोई भी इमेज हो वो वाई हो, ये फंक्शन है वाई और एक्स। ठीक, इसको आप ऐसे भी समझ लो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स, वाई एलिमेंट ऑफ वाई, तो ये क्या है कि हमने जो तत्समक फलन लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर ले लें एक छोटा सा, मान लिया मैं x इक्वल टू वन लूँगा तो y इक्वल टू क्या आएगा? वन। x इक्वल टू मैं अगर वन डेढ़ लूँगा तो y इक्वल टू कितना होगा? डेढ़ आ जाएगा। x इक्वल टू थ्री लूँगा तो y इक्वल टू भी क्या आएगा?
अभी तो सर तत्समक पास x इक्वल टू, अगर मैं माइनस वन लूँगा तो y इक्वल टू भी क्या आएगा, माइनस वन, x इक्वल टू माइनस फोर लूँगा तो y इक्वल टू भी क्या आएगा, माइनस फोर। कोऑर्डिनेट मिल रहे हमें वन वन, वन बाई टू, वन बाई टू, थ्री थ्री, माइनस वन, माइनस वन, माइनस फोर, माइनस फोर। एक्स इक्वल टू मान लिया, ले लिया मैंने रूट सेवेंटीन, तो वाई इक्वल टू भी क्या आएगा, रूट सेवेंटीन। ले सकता हूँ ना ये रूट भी सर, क्यों ले सकता हूँ, बिकॉज द डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर में सारे आ जा, चाहे फ्रैक्शन का हो, चाहे रूट में हो, चाहे किसी भी चीज़ में, सिर्फ हमें बचना है तो इन भाई साहब से बचना है आयोटा, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गया, ये कब आएगा, अगर कहीं ऐसा आ गया रूट के अंदर माइनस हो गया, क्योंकि अगर रूट माइनस वन की वैल्यू ही आयोटा होती है। ठीक, अब ये जो हमने, हमारे पास नंबर आए सेवनटीन, सेवनटीन, इनका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये ज़ीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट वन वन, ये होगा ना, वन बाई टू, वन बाई टू कितना आया, हाफ हाफ आएगा ना, नहीं ये वन वन तो यहाँ होगा कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट एक बटा दो, एक बटा दो, ये भी और ये भी तो यहाँ आ जाएगा ना, ये थ्री थ्री, थ्री और थ्री यहाँ जाएगा, माइनस वन और माइनस वन ये आ जाएगा, माइनस फोर, माइनस फोर ये आ जाएगा, रूट सेवनटीन, रूट सेवनटीन, सेवनटीन कितना होगा, चार दशमलव कुछ आएगा, चार दशमलव कुछ हो, थोड़ा सा दिन लगा लो अपने आप। ठीक, इनको मिला लो, आगे भी कहीं तक कहीं भी जा सकते हैं इसको, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर है, वन टू थ्री इनफाइनेट तक जाएगा, ऐसे ही माइनस जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि ये जो ग्राफ है ये वाई बराबर एक्स का ग्राफ, ये फंक्शन कैसा है, वाई इक्वल टू एक्स। आगे क्या करना है, ये चीज़ें क्यों पढ़ाया जा रहा, ये आपके दिमाग में लर्न होना चाहिए कि वाई इक्वल वाई बराबर एक्स का ग्राफ क्या होता है, नोट करना चाहिए नोट, अन्य एक बार बुक में रीड कर लो, फिर अगले फंक्शन पे चलते हैं।
कंडीशन इंजन क्या बोलते हैं इसको, नियत फला नहीं अच्छा क्या बोलते हैं कैसा फलन है, फलन है सब जेड आर टू आर या वाई बराबर एफ मोर एक्स सी वेयर सी इज ठीक है। यहाँ फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स एस में, यानी कि x की कुछ भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू क्या रहेगी? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 अगर कुछ नहीं हो सकती सी मतलब कॉन्स्टेंट, इसे 3 ले लूँ मैं, x की वैल्यू 1 ली तब भी c है, 2 ली तब भी c है, 3 ली तब भी c है, या 3 ले रखी था मैंने यहाँ पर बना लो, कुछ भी x की वैल्यू ले लूँ, y की वैल्यू क्या रहती है? y सी मगर आप यो समझे। अब इसको मुझे एक चीज़ बताइए, इसका डोमेन क्या है? डोमेन है रियल नंबर, यानी कि रेंज और डोमेन आगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है अब जो मेन काम रहेगा क्वेश्चनों में वो इंटर जेई के पर्पज से जो क्वेश्चन होंगे उनमें इन्हीं का खेल है, डोमेन रेंज ये। अभी तो ये उसके बाद आएंगे इनवर्स फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री की इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री पूरी होगी, इनवर्स फंक्शन पढ़ाए उसमें इनवर्स है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, ये पढ़ा है टेन इनवर्स। चलिए आप मुझे बताइए टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, मतलब टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी हाँ माइनस टेन ए टेन बी ठीक है, इसी के अगेंस्ट अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला पूछे उसका होता है टेन इनवर्स एक्स वाई वन माइनस। ये फंक्शन आएंगे ना जब इनके डोमेन को डोमेन निकालेगा दिमाग की धजिया तब अच्छा साइन थीटा बराबर लंबटे आधार में क्या होता है लंबटे और कोस बराबर और टेन बराबर लंबटे फार्मूला ये चल रहा है ना लाल बटे का आपका या और कोई भी आया नया इंग्लिश में भी है इंग्लिश में भी है इंग्लिश में क्या एक और ट्रिक बता दूं ये थीटा है ये तो आधार हो गई ये लंब और ये ये साइन है ये कोस है और ये टैन है साइन लंबटे
लंब बटे कर्ण होता है ना, कोस आधार बटे और ये लंब बटे आधार टेन, साइन कोस टेन, एरो दिस दिस और मेरे हिसाब से सबसे बेटर ये, बस इस इमेज को आपको अपने माइंड में चिपकाना है। फिर आपसे को टेन पूछे, साइन पूछे, लाल बटे काका पी पी एच एल एच पी सब के पीछे सही है नहीं है? सही है। तो ठीक है, लाल बटे काका चलते आ रहे हैं, लेकिन टेन के लिए हमें इतना तो रिकॉल ही करना पड़ता है, लाल बटे काका लंब बटे आधा इतना तो टाइम हमें देना पड़ता है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। अभी तो वो तो पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्वाड्रेंट साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्वाड्रेंट में साइन माइनस थी माइनस साइन पोलिनोमियल बोलिए किसे कहते हैं? हाँ भाई, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, हिंदी में बहुपद। भाई ये पोलिनोमियल बहुपद किसको कहते हैं? कुल कितने पद है? इसमें कितने पद है? कितने हैं? तीन है। इसमें कितने पद है? इसमें चार होंगे, नाइन्थ स्टैंडर्ड का है ये पॉलीनोमियल, तो जिम्मे समझोगे बहुपद जी, पहले पद का पता हो। इसमें एक है, इसमें दो हैं, इसमें तीन है और इसमें चार, पद है क्या? पद चर और अचर गुना में होता है, इसमें होते हैं मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट आर कनेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल या कॉन्स्टेंट आर कनेक्टेड बाय प्लस या माइनस। आप देखो समझो, समझने का मतलब क्या है, जब तक वेरिएबल्स के बीच मल्टीप्लिकेशन है जहाँ तक, वहाँ सिंगल ही रहेगा वो,
थ्री के बाद मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड, तो सारा का सारा मल्टीप्लाई के द्वारा कनेक्ट है ना, एक ही पद है। जब तक प्लस या माइनस नहीं आने के तब तक पद अलग, इसलिए एक ही एग्जांपल। और ये ट्रेंड जो है ना, ये जो पढ़ाने का मैंने जिस तरह पढ़ाया, अच्छे से अच्छा मास्टर भी नहीं पढ़ाता, वो क्या करेगा इसके लिए अलग एग्जांपल उठाएगा, इसके लिए अलग एग्जांपल उठाएगा, इसके लिए अलग एग्जांपल उठाएगा, बच्चा पजल हो जाएगा। अब यहाँ एक एग्जांपल में क्लियर आ रहा कि इसमें कितने पद हैं, यहाँ जहाँ भी प्लस साइन लगा उसमें देखो, ये मल्टीप्लीकेशन में, ये मल्टीप्लीकेशन में, एक पद ये, एक पद ये, बीच में यहाँ पे दो प्लस हो गए, यहाँ समझ में आ गया। क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और इसको ट्राइनोमियल बोल लो, क्योंकि दो या दो से अधिक जब आ जाता है इसको बोलते हैं पॉलीनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है, बहु, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे पॉलीमर, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक, आया नहीं केमिस्ट्री में कहीं वर्ड बहुलक क्या होते हैं, पॉलीमर पता नहीं है, पॉलीथीन, जिसमें रोज सब्जी लाऊं मैं फड़ लाऊं मैं, किसका है पॉलीमर, ये पॉली प्लस एथिलीन, और एथिलीन का फार्मूला क्या होता है C2H4, और जब इसका कार्बन स्ट्रक्चर बनाएंगे ये, और कैसे जुड़ते चले जाएंगे ये ऐसे ही CH सारी पूरा जुड़ के एक जाल बन जाएगा, इसी को बोलते हैं पॉली एथिलीन, ठीक है। चलो अपने काम पर, तो बहुपद की बात कर रहे थे हम, पॉलीनोमियल्स की, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीनोमियल होते हैं, कोई जिसके अंदर एक से ज़्यादा पद होते हैं उसको पॉलीनोमियल्स बोलते हैं। और जो स्टैंडर्ड फार्मूला पॉलीनोमियल्स का है वो होता है a0 xn, a1 xn-2 a2 xn-2, ठीक है, डॉट 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 a2 n x की पावर 0, इस टर्म को सिर्फ ए एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसमें दीज आर रियल नंबर्स, ठीक, पावर ओ एक्स नेचुरल, समझ गए, यानी कि एक्स की पावर तो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी चल सकता है, यहाँ ये रियल नंबर हो सकते हैं, 1 हो 2 हो 0 हो कुछ भी हो, ठीक है। यहीं पर हम पॉलीनोमियल कैसे आ जाते हैं, हमारे पास लीनियर है, लीनियर किसको बोलते हैं, जिसमें x की पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक में x की पावर कितनी होती है, ठीक है, क्यूबिक में कितनी होती है, एक्स इक्वल टू बाई क्वाड्रेटिक एक्स की पावर 4, ठीक है, साफ करूं,
देखिए हमने बताया अगर कोई भी मान लिया क्वांटिटी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी है प्लस सी की फॉर्म का है ठीक है और इसे कहूँगी फंक्शन एक्स स्क्वायर एफ में ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू सी है ठीक है उसमें एक्स की पावर टू है क्वाड्रेटिक है परवले पढ़ा है परवले क्या समीकरण होती है परवले हाँ भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स होती है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक होती है ना चारों के अपने अलग अलग ग्राफ होते हैं क्या होता है वाई स्क्वायर फोर एक्स का ये ग्राफ बनता है माइनस वाले का इधर बनता है इसका ये ऊपर बनता है और इसका ये नीचे अपने ग्राफ फिक्स है कोई इतनी बड़ी चीज़ आपका सीख जाओगे अलेवेंथ में तो ट्वेल्थ में आ जाता है ठीक है तो इसमें किससे मिलान कर रहा है ये इससे इसमें एक्स की पावर टू है वाई की पावर एक है ये सिंपल हमारा क्वाड्रेटिक है उससे मैच कर गया ये कौन सा तीसरे नंबर का पहला दूसरा तीसरा यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा कहने का मतलब जितने भी क्वाड्रेटिक हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे उनके ग्राफ हमारे ये होंगे जिनकी पावर थ्री है उसका ग्राफ आपका इसमें ऐसे करके लिखा यानी कि हमें इनके ग्राफ का पता होना चाहिए आगे ठीक है आपके पास जब डीपनेस में जाओगे आगे कहीं आएगा तो तब देखेंगे इतना इनकी जानकारी होनी चाहिए अब है रेशनल फंक्शन का क्या होता है रेशनल नंबर बताओ पहले हाँ आज मैं एक स्कूल में गया वहाँ एट्थ क्लास के बच्चे से पूछा अच्छे बताओ ये नंबर क्या रेशनल नंबर क्या होता है एक स्कूल में गया वहाँ पढ़ता है मोहम्मदपुर गाड़ा मनानी के पास आठवीं क्लास के बच्चे थे मतलब बताओ भाई परिमेय संख्या किसको बोलते हैं अरे बोलो जो बटे में हो जो अपरिमेय अब जो माइनस हो क्योंकि सिक्स क्लास से रेशनल नंबर शुरू हो जाता है ठीक है तो मैं बात कर रहा था रेशनल फंक्शन ये फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स अपॉन जी एक्स is called rational function और यहाँ एक कंडीशन लगी जाएगी कि जी एक्स जो फंक्शन है वो इज नॉट इक्वल टू क्योंकि अगर जीरो के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा वो अनडिफाइन हो गया ठीक है भाई अब एक फंक्शन है एफ सच दैट आर माइनस जीरो टू आर डिफाइन कैसे है ये डिफाइन है फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स एंड एक्स बिलोंग टू आर माइनस जीरो कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग द डेफिनेशन व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन
अब यहाँ से जो आपको मैंने ये लाइन लिखी है, ईमानदारी से बताना, कुछ मुश्किल चीज से नजर आ रही ना, हल्की हल्की आ रही ना? आज से, आज कौन सा लेक्चर है मेरा? सिक्स्थ है। अगर फर्स्ट डे तुम्हें से पढ़ा देता मैं तो लग रहा कुछ है कि अंदर चले जाता है, किसी भी कीमत पे समझ में नहीं आता। देखो फंक्शन बताया अभी हमने, फंक्शन पढ़ा सच दैट आर टू, यहाँ सेट रियल नंबर है, यहाँ भी सेट रियल नंबर है, यानी कि यहाँ से क्या निकल कर आता है? डोमेन, यही आता है ना। और यहाँ से निकलती है हमारी रेंज। डोमेन में हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेकिन इसने यहाँ फाउंडेशन लगा दी कि डोमेन में कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे हम, बस जीरो को छोड़कर पूरा सेट रियल ही है, जीरो नहीं लेंगे। और जो वैल्यू आएंगी बाद में वो भी क्या आएंगी? रियल। तो ऐसा फंक्शन कौन सा दिया हुआ हमने? ये दिया हुआ देखो, वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स दिया हुआ। अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखते तो वाई क्या हो जाएगा? इनफाइनेट। इनफाइनेट का मतलब यहाँ अनडिफाइन है, कोई परिभाषा ही नहीं है भाई। किसी को जीरो से भाग देने का मतलब क्या है? यहाँ का मतलब ये होता है, अगर मैं सपोज करो देखो यहाँ पे मैं टू लिखूँ, इसका मतलब है वन के टू पार्ट्स कर दिए मैंने, दो टुकड़ों में तोड़ दिया। थ्री लिखूँ तो थ्री टुकड़ों में तोड़ दिया। अगर मैं जीरो लिखता हूँ, जीरो का मतलब क्या? इसके जीरो टुकड़े होते हैं? नहीं होते, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, तो अनडिफाइन है। तो इसलिए x की वैल्यू हम कभी जीरो नहीं लेंगे। जब x इक्वल टू हम कभी जीरो नहीं ले सकते तो क्या y इक्वल टू कभी इनफाइनाइट आ सकता है? नहीं आएगा ना, या सकता है? ठीक। अगर x की वैल्यू टू लूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ। यानी कि x जितना बड़ा होता जाएगा y उतना ही, इसका जो ग्राफ बनेगा बस ये बन जाएगा। देखो x की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जा रही है, फंक्शन y के पास और हल्का सा टच होता चले जाएगा, और टच, बाकी टच कहीं होने वाले, समझ रहे? ये हो जाएगा कहीं टच, क्योंकि जब इसने कह दिया अगर x इक्वल टू इनफाइनेट भी ले लूँ मैं, क्योंकि x इक्वल टू इनफाइनेट पर y इक्वल टू क्या रहा है? वो जीरो। जबकि ना तो कहीं फाइनेट कोई चीज़ होती, सीमा जब कहीं है ही नहीं, वो कहाँ तक चले जाएंगे? कोई ऐसा पॉइंट होगा, है कोई पॉइंट जहाँ होगा ऐसा कहीं इनफाइनाइट है? नंबर लाइन पे कोई एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं हाँ बस ये चल के यहाँ तक इनफाइनाइट आएगा। और ये वाई जीरो कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ अगर एक्स की वैल्यू क्या हो जाए ना, एक्स कभी इनफाइनाइट होना ना कभी वाई जीरो होना, सिर्फ टच होता नज़र तो आएगा लेकिन टच नहीं होगा। कहने का मतलब अगर आपका फंक्शन ये आ जाए y इक्वल टू वन अपॉन एक्स एंड इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो एक्सेप्ट जीरो, ठीक, तब उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये चीज समझ लो, ठीक है। तो बच्चे भी क्लास के ऐसे हैं तो गिने चुने तो हैं कि नहीं बताते हमारे सर पढ़ाया कैसा रहे, कभी प्रशंसा नहीं करते कि रसी भी अन्ना बुराई करे, मौन वर धारण है। परसों भी तुम आए थे ना परसों, या और कोई लड़का था? अच्छा, अब एक फंक्शन तो बच रहा था मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, और एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
दो फंक्शन बचते हैं, एक सिग्नल फंक्शन भी है वहाँ, ब्रेक सिग्नल, तीन फंक्शन है ये तो कम करना कला आपको। बस इसके अलावा अब आप पढ़ लो एडिशन ऑफ रियल फंक्शन, एडिशन ऑफ रियल फंक्शन। ये है कहता है एक फंक्शन है f such that x to r, एक दूसरा फंक्शन हमने उसको नाम g दे दिया f की जगह, ये भी कैसा है x to r, ठीक है दोनों रियल वैल्यू फंक्शन है क्योंकि दोनों की रेंज क्या है रियल आ रही सेट ऑफ रियल नंबर, और x जो है वो भी सबसेट r है यानी कि x भी क्या है रियल नंबर ही है, ठीक है। Then we define, define का मतलब हम बताएंगे क्या कैसे होगा क्या कि f plus g x f plus g such that x to r by f plus g मैं ऐसे लिख दो तो समझ में आ रहा है ना फंक्शन ऑफ एक्स, भाई एक फंक्शन यो एफ है एक्स टू आर है, दूसरा जी एक्स टू आर है, एक्स आर एस का सबसेट है या नहीं है ना भी उससे मतलब कुछ नहीं है, डिफाइन करना कि अगर इन दोनों फंक्शन का एडिशन करें और फिर उनकी इमेज निकाल लें वो कैसे आएगी। वो ऐसे आती है कि इमेज ऑफ एक्स अगर दो फंक्शन है इसमें लिखे हुए ऐसे f प्लस g दोनों इकट्ठे ट्रीट करेंगे तो क्या होगी कि इमेज ऑफ x निकाल लो और इमेज ऑफ x अंडर g, इमेज ऑफ x अंडर f व दोनों इमेज ऑफ x अंडर सम ऑफ बोथ फंक्शन, यानी कि दोनों फलन के जोड़ की x इमेज दोनों की अलग अलग x इमेज के जोड़ के बराबर हो। बस इसे आप ऐसे समझ लें 2 प्लस जेड या नो लिख लो आप वाई प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा वाई एक्स और जेड एक्स, यानी कि इसमें हमारा जो आ रहा लगभग सिंपल जो हमारा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन चलती है सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन चला है ना वही है, कहीं आपको ऐसा लिखे दिखे ये तो एडिशन का हुआ। अगर कहीं पे फंक्शन ऐसे लिखे हुए हैं फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ जी इमेज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा समझ में आ रहे, यानी कि दोनों फंक्शनों के डिफरेंस की इमेज एक्स या कहें इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ माइनस जी इक्वल टू इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ माइनस इमेज ऑफ एक्स अंडर जी, ठीक है। यहीं पे अगर एफ अपॉन जी ऐसे करके एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब ठीक है, बची है यदि f g x लिखा हुआ है इसका मतलब है
एफ एक्स इंटू, ठीक है, इसका एग्जाम्पल 16 लिखा हुआ है ना, ये होमवर्क है आपका। एग्जाम्पल 17 मेरी ये पढ़ जाना आपको, तो मेरी दीदी ने बाद में सारा अंश फंक्शन है, और एक कौन सा है जो ग्राफ है, तीन रहेगा ना आपके, दो ग्राफ मॉडुलस फंक्शन, तीन फंक्शन बताने हैं, तीन ही क्वेश्चन। इसके साथ इसमें जो 11th वाला है वो सारा आपका सेट रिलेशन फंक्शन क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस इतनी नहीं की, क्योंकि हमारा मेरा मकसद क्वेश्चन करना नहीं है, हमारा ये सारे कंसेप्ट सीमित है, आगे के जो क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्कूल में वैसे भी करा दूँगा, कल जो लेके आना है आपको, कल 12th वाली लेके आना है, 12th का सर सेकेंड है जिसमें सेट रिलेशन फंक्शन है, वो जो येलो सब कवर किया, उसका देखना उसमें क्या उसमें क्या रिलेशन फंक्शन दिया होगा, ठीक है। आपको प्लस तो पढ़ी होगी, ट्वेल्थ की समझ में आ रहा नहीं कुछ? हाँ भाई, आज नए कौन कौन से थे कुछ समझ में आया? हालांकि टफ टॉपिक से पकड़ा आप लोगों ने एकदम, या थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हुआ हो सेट अगर वगैरह, बंद कर दो इसको, इसे बंद कर दो।